आगरा के शाहगंज बाजार में व्यस्तता को देखते हुए एसपी सिटी द्वारा कलेक्ट्री से शाहगंज जाने वाले रोड पर तहसील पर बैरिगेटिंग लगा दी गई। वहीं शाहगंज की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिगेटिंग मिल रही है। लोगों को जहां ट्रैफिक जाम से निजात मिल रहा है, वहीं क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्रीय लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। आगरा के शाहगंज बाजार में एक और दो क्षेत्रीय लोगों को चार पहिया और तीन पहिया वाहन के निकलने से लगने वाले जाम से निजात मिला, लेकिन वहीं क्षेत्रवासियों की परेशानियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। लोगों का कहना है कि जब हम शाहगंज की नजदीकी गलियों में रहते हैं तो हम अपनी गाड़ियां कैसे निकालेंगे, इस बात को लेकर आए दिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी व होमगार्ड से तू-तू मैं-मैं होती रहती है। इस बात को लेकर क्षेत्रवासी एसपी ट्रैफिक के पास पहुंचे, जहां अधिकारियों से मुलाकात ना हो सकी, लेकिन कर्मचारियों द्वारा संतुष्ट किया गया कि आप अपनी लोकल आईडी दिखाकर अंडर गाड़ी ले जा सकते हैं। लेकिन होमगार्डों की भी परेशानी थी कि अगर एक गाड़ी अंदर जाती है तो दूसरी गाड़ी वाला उन पर इल्जाम लगाता है कि आप पैसे लेकर गाड़ी अंदर जाने दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन बातों को संज्ञान में लेते हुए अधिकारी किस तरीके की कार्यप्रणाली तय करते हैं, या कुछ ऐसी व्यवस्था करें जो ठोस व्यवस्था हो, जिससे किसी को परेशानी ना हो। या फिर जैसे दीपावली का अवसर है और लोगों ने दुकानें इतनी बढ़ा के बना रखी है, ठीक है, ट्रैफिक की तो दिक्कत है ही है, साथ में अतिक्रमण की भी दिक्कत है, इस पर रोक नहीं होनी चाहिए। अतिक्रमण तो देखो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है और हमारा उससे वैसे भी कोई नहीं है, लेकिन ऐसा ना बेरोजगारी का आलम है इसीलिए अतिक्रमण भी है। अब आदमी जो गरीब आदमी है वो फुटपाथ पर सामान बेचने के लिए सामान रखे हुए और वो उसको भी हटा देंगे, वो भी स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये परमानेंट व्यवस्था बने, अभी हाल फिलहाल 10 दिन 15 दिन की व्यवस्था नहीं बनी। अभी आप अधिकारी के पास आए, क्या आश्वासन मिला है? बहुत अच्छी बात की उन्होंने, उन्होंने कहा कि अगर हम आपको एकदम ही जाने देंगे बिना पुष्टि के तो जो और भी लोग हैं फिर हम गाड़ी नहीं रोक पाएंगे, इसलिए मतलब जानकारी देके आइडेंटिफाई करके निकाल आइडेंटिफाई करके गाड़ी जाने देंगे, अदरवाइज सारी गाड़ियां तो नहीं आएंगी क्योंकि जाम हो जाएगा।